वेदर का मून गर्लफ्रेंड की तरह होता है, कभी भी स्विंग हो जाता है। आपने खींचा क्या अभी? हाँ, मैंने खींचा। ये लगा हुआ है ना बेटा ये? गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग नहा के हो रही है क्योंकि मैं नहा के रेडी हो गया हूँ। टाइम भी बहुत अच्छा हो रहा है शगुन वाला, 11 बज रहे हैं। ये राइडिंग का टाइम नहीं है बट मनाली तक हम ऐसे ही जाएंगे। और सारे सामान मैंने चार्जिंग पे लगा रखे हैं। इधर ये इंटरकॉम चार्ज हो रहे हैं और ये बड़ा सही आ गया था, इससे मल्टी सॉकेट चार्ज हो जाता है। और नए वाले जूते पहन के रेडी। अब कैसा क्या है मैं मनाली पहुँच के बताऊँगा। कुछ ये भी लिया सामान, मतलब सामान काफ़ी लिया है मैंने, बट ये सब बता पाऊंगा मैं मनाली पहुंच के ही, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो चुका है। और बाहर के नज़ारे देखो, वेदर आज धूप है, अच्छा है, धूप में चलेंगे। मतलब पूरी खतरनाक वाली धूप नहीं है, बट ये भी है कि बारिश भी नहीं है, दोनों काम है। तो अभी जल्दी जल्दी मैं गाड़ी एक बार लोड करता हूँ मैं सारा सामान, क्योंकि सामान ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। हम भी रेडी, हमारी बाइक भी रेडी, पहन लिया हेलमेट मैंने विथ इंटरकॉम। इंटरकॉम पे लग गया, हाँ इधर ही है इंटरकॉम पे लगा। हम बातें करेंगे दोनों आपस में। और ये सारी पूरी लोडेड गाड़ी रेडी, अभी निकलने का समय आ गया है, अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम अकेला नहीं हूँ ना, मैं दो लोग हैं, ये भी राइडर ही वाले फीलिंग आ रही है, भी मजे आ रहे हैं, दो लोग हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्ट, आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अभी हम लोकेशन डाल देते हैं सीधी मनाली की, यहाँ से हम सीधा मनाली रुकेंगे। 6 घंटा दिखा रहा है ये, चलें। कुछ बोलो, आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास। ओके ओके, क्योंकि आज राइडिंग शूज़ के साथ फर्स्ट टाइम राइड करूँगा। और ये सीधा रूट जाएगा मनाली के लिए, तब मैं कहीं अलग से कुछ चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था वाइजर वाला, वो हो गया है। सपोर्ट लग रहा है बेटा पीछे, हैं? फीलिंग गुड? लेट निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि थोड़ी थोड़ी देर में आपको रुकवाते आराम करवाते आपको पार करवाएंगे ट्रैफिक, ऐसे एकदम से नहीं होगा ना। हाईवे होने के बाद थोड़ी सांस में सांस आती है, पर अब लेट निकलने का पनिशमेंट तो ट्रैफिक देगा ही। चले, बस फ्यूल अप का काम हो गया, अब हमें मनाली तक कुछ भरवाने की ज़रूरत नहीं है। आहा, अब गाड़ी हुई ना लोडेड। और 70-80 किलोमीटर चले हैं चंडीगढ़ से, और अब मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े घाट आने स्टार्ट हो गए हैं, तो अब ये रास्ता सीधा मनाली जाएगा और ऐसा ही रूट बना हुआ है मनाली तक, मज़ा आ जाएगा। और आज वेदर के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं वेदर को लेकर कुछ बोलता हूँ तो ये उसी समय पर अपना मतलब कहता है ना कि फैल जाता है पूरा, तो इसलिए अब आप देख के आइडिया लगा लो कि वेदर कैसा है। अपन उस रास्ते से चलेंगे, अभी देखो मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भी देखो हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। अगर मैं बोलता तो सोचो ज़्यादा आता ना, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। मैं एक साथ खलासी लेके आया हूँ जो मुझे पीछे बैठे बैठे कभी चॉकलेट खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं। आप लोगों को ना एक टिप देता हूँ, जब भी राइड कर रहे होते हैं ना, तो बारिश के बारे में कुछ नहीं बोलना, वेदर के बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वेदर का मून गर्लफ्रेंड की तरह होता है, कभी भी स्विंग हो जाता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए दोनों को ही कुछ नहीं बोलना। ज़िंदगी अच्छे से चलती है, शांति से चलती है, बिना किसी एडवेंचर के चलती है। एग्री करते हो तो ठोको लाइक, सामने एक टनल आ रही है, तब तक आप सोच के बताओ जो मैंने बोला वो कभी आप पे अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बोल के देखो, थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। जिनको शिमला जाना वो इधर जाओ,
बाकी सब मेरे पीछे आओ क्योंकि हम मनाली जाएंगे। कल मैंने जो जूते लिए थे वाटरप्रूफ, उनका भी आज टेस्ट हो जाएगा। यहाँ से हमीरपुर 47 चंडीगढ़ 115 किलोमीटर आके छोटा सा ब्रेक लिया है। हल्की फुल्की बारिश आई, बीच पे ज़्यादा नहीं आई, बट अभी ठीक है। सिर्फ चाय वाय पीने के लिए रुका। कहाँ से निकला है? इसके अंदर से। आपने खींचा क्या अभी? हाँ, मैंने खींचा है। ये लगा हुआ है ना बेटा ये? हाँ। इसको खोल के वापस लगाओ अंदर। कि फ़ोन की एक थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है, इसको तो मैंने चार्जिंग लगा रखा है। ये काम अच्छा किया मैंने, थोड़ा कभी कभी मैं अच्छा काम कर लेता हूँ। तो चलती गाड़ी में ये चार्ज हो जाएगा, तो मुझे पावर बैंक की नीड नहीं है। ओहो बच्चों बच्चों, अब हाथ कैसे हिलाऊं मैं? लास्ट ईयर इसी जगह पर लैंडस्लाइड हुए थे ढंगचक, जब हम एक पूरी रात बस के अंदर हमने बिताई थी। ठीक है, बारात जा रही है क्या? दूल्हा कहाँ है? हैं? दूल्हा नहीं दिखा ना? बिना दूल्हे के शादी या कुछ और है? उधर से भी आ रहा, देखो बेटा जी। हैं? हाँ शायद यहाँ का कोई फेस्टिवल होगा, ये तो डोली है। अच्छा डोली डोली, शिवजी की जैसे डोली दिख रही है ना। हाँ ये पंचमुखी डोली जा रही है। ये नंबर लिखे हुए, नंबर का मुझे आज तक कहानी समझ नहीं आई। अगर किसी को पता है तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मनाली साइड में मुझे ज़्यादा देखने को मिलता है, काउंटर नंबर ये, काउंटर नंबर वो, काउंटर नंबर ये, इसका क्या लॉजिक है? 6 किलोमीटर और बचा है और सामने मतलब बलून, आई थिंक राइड की तैयारी हो रही है, फ्लाई करेंगे ये सब लोग। मनाली होटल पहुंचते उससे पहले ही गोप्रो और 360 दोनों की बैटरी ने ही धोखा दे दिया और डिस्चार्ज हो गए थे और हम कुछ शूट ही नहीं कर पाए। होटल पहुंचे और सेटल भी नहीं हुए, उससे पहले ही बहुत तगड़ी वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी और वो पूरी रात चली। तो वैसे भी हम कहीं और जा ही नहीं पाए, तो ज़्यादा हम शूट कर नहीं पाए, तो थके हुए थे तो फिर रेस्ट किया। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ मनाली में। कल पूरी रात जो बारिश हुई है भयंकर वाली, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो ये है हमारा कचरा वाला व्यू, और तगड़ा वाला व्यू तो यहाँ से दिखेगा आपको। और चाइना गिर गया, रुक जाओ। यस, अरे अरे क्योंकि पूरी रात बारिश होने से ना अच्छा व्यू हो गया, ठंडक हो गई, और इसलिए होटल वाला ने हमें स्पेशल भेजी है चाय। तो सर बालकनी में खड़े होकर चाय पीजिएगा, चाय का फीलिंग कुछ अलग आएगा। तो आज मैं मनाली रुकूंगा, आज का स्टे यही करूंगा क्योंकि छोटे मोटे काम है वो कंप्लीट करके कल हम आगे के लिए प्रोसीड करेंगे लद्दाख राइड के लिए। तो कल अपनी कहते हैं ना कि लद्दाख वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, हालांकि अभी से ही आ रही है, बट ये ऐसे रोड में पहले भी बहुत बार चला चुका हूँ ना, तो वो लद्दाख वाली फीलिंग अभी तक नहीं है, कल से आएगी। यहाँ पर एप्पल लगी हुई है जो कि वापस आके खाएंगे एप्पल को। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर डे। अभी मैं हूँ मनाली में। कल जब चंडीगढ़ से निकला था तो मैं मनाली पहुँच गया था, लगभग 5 या 7 बज गए थे मुझे आते आते, और पहुंचा और आधा घंटा भी नहीं हुआ था और भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई, जो कि चली थी मतलब रात भर ऑलमोस्ट चलती थी बारिश। अभी भी वेदर वैसा ही हो रखा है। तो आज मैं मनाली ही रुकूंगा क्योंकि गाड़ी का कुछ छोटा मोटा मतलब करवाना है, कुछ ब्रांडिंग वगैरह, तो 2-3 काम बचे हुए हैं, गाड़ी भी वॉश करवा देते हैं क्योंकि अब कल से एक्चुअल लद्दाख राइड स्टार्ट होने वाली है ना, तो वापस इधर सब कुछ रेडी करना ज़रूरी है। तभी से मैं निकल रहा हूँ क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, ये वापस कभी भी आ सकती है। बारिश स्टार्ट हो उससे पहले आज के सारे काम निपटा लिए जाए ताकि कल अच्छे से राइड कर पाए। मनाली में मैं रुका हुआ हूँ हिल क्रिस्ट के अंदर, जो कि कल भी यहीं रुका था,
और आज की नाइट भी मेरी यहीं पर ही है। अभी एक दो दुकान ने मुझे बताई है, मैं वहाँ पहले जाके चेक करता हूँ और सारा सामान एक बार लगवा लेते हैं। पहले हम रुकते थे माई वृंदावन में ये, और यहाँ पर था हमारा पहले, अभी शायद कोई और होगा यहाँ पे, हम नहीं हैं। मनाली में पीछे गलियों में जो सबसे पहला काम था गाड़ी का वो अपना है, इस पर थोड़ी ब्रांडिंग करवाना ताकि पता तो लगे। इस पर तो हमने फ्रंट पे पहले करा रखी थी। कहाँ जा रहे हो तेज तेज? इस पर तो मैंने जोधपुर से पहले करा रखी थी, पैनिस पे भी करवा रखी थी। अब टॉप बॉक्स मैंने कल ही लिया है ना, टॉप बॉक्स पे भी करवा देते हैं। तो मनाली में ही पीछे की तरफ है ये होटल रॉक्सी है ना, रॉक्सी यहीं पर है। होटल का नाम सही ठीक है, बोर्ड प्रिंटिंग ऐसा कुछ है ये वाले, ठीक है ना? हाँ दिस इज गुड। ब्रांडिंग तो मैंने टॉप बॉक्स पे पूरी करवा दी, एक तो मैंने पीछे लिखवा दिया, ऊपर इंस्टाग्राम का आ गया और इधर भी यूट्यूब का लगवा दिया और इधर भी यूट्यूब का लगा दिया। तो ये काम तो हो गया अपना ब्रांडिंग वाला। तो अभी बाकी की जो लिस्ट बना के लाए हैं हम लंबी चौड़ी उसको पूरा करते हैं। दूसरी लिस्ट में मेरे खुद के कपड़े खरीदते हैं क्योंकि वहाँ पर फोटो वीडियो नहीं आएंगे, और ये जिसमें आप देख रहे हो उसको पहनते पहनते मैं ही बोर हो गया और आप भी देखते देखते बोर हो गए, कुछ नया होना चाहिए इस बार। अभी के टाइम पे सबसे बड़ा टास्क यहाँ हो रखा है गाड़ी पार्किंग करने का। तो मॉल रोड पे सामने से यहाँ पर मिल तो गई है, क्योंकि तो पहले इतने वहाँ लगा देते थे, वहाँ लगाने नहीं दे रहे अभी तो जगह भी नहीं है। मनाली बहुत बार आ चुके हैं तो मॉल रोड पे ओनली मैं मेरे कुछ कपड़े लेने ही गया था, ज़्यादा ले नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है, ओनली दो शर्ट ही लिए और जल्दी जल्दी दूसरे काम कंप्लीट भी करने थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट था गाड़ी को वॉश करना क्योंकि कल लद्दाख राइड पे ये भी पहली बार जा रही है ना, तो इसको भी एकदम नया कर लिया जाए ताकि इसको भी थोड़ी फीलिंग आए। मोस्ट ऑफ तैयारी मैं चंडीगढ़ में कर चुका था, बस छोटी मोटी थी जो कंप्लीट करके आज का दिन हमने रेस्ट किया क्योंकि कल अब मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।